गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सानंद स्वस्थ एवं सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे। गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आज पुनः आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मॉडर्न हिस्ट्री के एक अति महत्वपूर्ण अध्याय, जिसे मील का पत्थर कहा जाता है, गांधी युग की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। छतगण, ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत विशाल वटवृक्ष की तरह है और इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो है प्रश्न बैंक को आप जब देखिएगा तो आपको गांधी युग से क्वेश्चन प्रश्न जरूर मिलेगा। छतगण, गांधी युग में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीवन परिचय, गांधी जी का जीवन परिचय क्या था, स्टार्टिंग शुरुआत की बातें जिसमें हम लोग जानेंगे। दूसरा है, गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, इससे भी सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छात्रगण। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने श्वेत अश्वेत रंगभेद नीति, काले गोरे के भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था, इसे हम लोग जानेंगे। छात्रगण, भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ, भारत आगमन कैसे हुआ और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और यही अंतिम टॉपिक होगी हम लोगों की, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, किस प्रकार से गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए थे, ये सारे चीजों को हम लोगों को पढ़ना है छतगण, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपकी टॉपिक बनेगी जीवन परिचय, है ना, हेडिंग बनेगी छतगण लाल या हरा कलम से, जीवन परिचय। अब नीचे लेफ्ट साइड में छतगण अपने नोट्स कॉपी में तीर का निशान देकर के ब्लू या ब्लैक पेन से लिखेंगे, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर इनवाइट कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छात्रगण, नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट, तीर का निशान, साइन ऑफ एरो छात्रगण इस तरीके से देते रहेंगे, तीर का निशान। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ जिसे कहा जाता है छात्रगण आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे, दीवान अर्थात मुंशी छतगण, दीवान के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट, तिरकनिशन, गांधी जी की माता पुतलीबाई, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छतगण, पुतलीबाई थी। नेक्स्ट, तिरकनिशन, गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था, यह उम्र में
गांधी जी से बड़ी थी। उम्र में गांधी जी से बड़ी थी नेक्स्ट। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई लंदन में की थी। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई लंदन में की थी। नेक्स्ट, टीका निशान छात्रगण, गांधी जी कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहकर पुकारते थे। बा, बा कहकर पुकारते थे। यह क्वेश्चन भी आ चुका है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन जाने के पूर्व अपनी माता पुतली बाई के समक्ष 3 प्रतिज्ञा ली थी। नंबर 1, सदा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा। नंबर 2, मांस मदिरा का सेवन नहीं करने की प्रतिज्ञा। नंबर 3, पराई स्त्री को गलत नजरों से नहीं देखने की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट, तो गणेशन, गांधी जी वकालत की पढ़ाई कर भारत लौटे एवं राजकोट में वकालत करने लगे। इसी बीच नेक्स्ट तीर्थंकर छात्रगण, इसी बीच गांधी जी को गुजरात की एक व्यापारिक कंपनी दादा ओबैदुल्ला एंड कंपनी इनवाइट कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छतगन, दादा ओबैदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह है छतगन गांधी जी का जीवन परिचय। इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह छात्रगण गांधी जी का जीवन परिचय और उससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को
आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा, स्मरण करना होगा। क्या सवाल आएंगे और क्या समझना है आपको? छद्म, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक है ना, महान व्यक्तित्व, महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी से जुड़े हुए विविध पहलुओं का अध्ययन आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और आपको महात्मा गांधी से जुड़े हुए हर पहलुओं को ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा। छद्म, इस महानायक का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था और इन्होंने अपना जो योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, अपनी जो आइडियोलॉजी दी है, अपनी जो विचारधाराएं पूरे विश्व को अहिंसा का सिद्धांत दिया है, छद्म वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने के रूप में जो है निश्चित किया है कि प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को किस रूप में मनाया जाएगा? छद्म, विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। पूछेगा किस भारतीय महापुरुष के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी छद्म आपको याद रखना होगा, ये भी आपको मनन करना होगा, ये भी आपको स्मरण करना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है और एक एक चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। छद्म, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना? क्या नाम था छद्म? मोहनदास करमचंद गांधी। एक बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना? ऐश्वर्य विलासिता से कोसों दूर थे, बहुत ही साधारण स्कूल में पढ़ाई हुई, बहुत ही साधारण जीवन इन्होंने जिया, है ना? छद्म, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, है ना? ये राजकोट में एक दीवान थे, मुंशी के रूप में कार्य करते थे। छद्म, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक धर्मपरायण महिला थी, एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, पुतलीबाई, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि गांधी जी की माता का क्या नाम था, तो पुतलीबाई था। ये सवाल भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छद्म, दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएंगे उसे भी ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ और कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी प्यार से क्या कहते थे? बा कहकर पुकारते थे। पूछेगा महात्मा गांधी किसे बा कहकर पुकारते थे? कस्तूरबा गांधी को बा कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे चीजों को छद्म आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे चीजों को आपको मनन करना होगा, ये सारे चीजों को आपको अध्ययन करना होगा, ये सारे चीजों को आपको याद रखना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो, आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। छद्म, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहां की थी? तो लंदन में की थी। कहां पे की थी छद्म? लंदन में किया था। छद्म, जब ये लंदन जा रहे थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, तो एक बहुत हास्यास्पद हादसा हुआ जिसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी, आपको भी जो है चेहरे आपके भी खिलखिला जाएंगे। छद्म, ये हादसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी के माता को कई लोगों ने यह कहकर भौंका दिया, है ना, कि आपका बेटा लंदन जा रहा है, आपका बेटा ब्रिटेन इंग्लैंड जा रहा है, वहां पर वह कुसंस्कृत हो जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, शराब पीने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, पराई स्त्रियों के साथ इसके संबंध हो जाएंगे, वह वहां से लौटेगा तो एक गोरी मेम इसके साथ आएगी, गोरे गोरे बच्चे आएंगे, आप इसे पहचान भी नहीं पाइएगा। इस तरीके से इनकी माता को लोगों ने भड़का दिया, क्योंकि छद्म उस समय विदेश जाना जो है हमारी संस्कृति में एक अपसंस्कृति मानी जाती थी। विदेश जाना यानी लोगों का यह समझ था कि आदमी पथभ्रष्ट हो जाएगा, आदमी का चरित्र खराब हो जाएगा, आदमी गलत आदतों को अपना लेगा, ऐसी मान्यता थी। तब छद्म इनकी माता ने रोक लगा दिया कि नहीं, मैं तुम्हें लंदन पढ़ने नहीं जाने दूंगी, तुम्हें यही हिंदुस्तान में ही रहना होगा। गांधी जी का टिकट वगैरह सब बन चुका था, पिताजी ने उधार लेकर के इनके लिए व्यवस्था की थी लंदन जाने की। लेकिन छद्म, जब गांधी जी ने अपनी माता के समक्ष प्रतिज्ञा ली
कि मां मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा लेता हूं, बताओ तुम्हें क्या क्या संशय है। मां ने कहा कि तुम झूठ बोलने लगोगे। लंदन जाकर के गांधी जी ने प्रतिज्ञा ले ली, मां मैं सदा सत्य बोलूंगा, है ना। दूसरा बोला माता ने कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो, हम लोग का परिवार शुद्ध शाकाहारी है, तुम वहां जाकर के मांस मदिरा शराब नॉन वेजिटेरियन का सेवन करने लोगोगे। गांधी जी ने यह भी प्रतिज्ञा ले ली कि मां मैं आजीवन मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तीसरा माता ने कहा तुम वहां जाकर जो है गोरी मेम के साथ शादी कर लोगे, वहां अंग्रेजी महिलाओं के साथ जो है तुम्हारे संबंध बन जाएंगे, है ना। तो गांधी जी ने कहा मां मैं आजीवन यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं किसी भी पराई स्त्री को गलत नजरों से नहीं देखूंगा और उनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बनाऊंगा। ये तीन प्रतिज्ञाएं गांधी जी ने ली, तब उनकी माता ने उनको आज्ञा दी कि आप जाओ, तुम चले जाओ और दक्षिण लंदन जाकर के अपने वकालत की पढ़ाई करके लौटो। छगन गांधी जी लंदन से जब वकालत की पढ़ाई करके लौटे तो इन्होंने गुजरात में अपनी वकालत शुरू कर दी। इनकी वकालत साधारण चल रही थी, शुरुआती दौर था, अपनी वकालत को ये धीरे धीरे करके जमा रहे थे। इसी बीच इन्हें एक जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला छतगन, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था उस चीज को आपको ध्यान देना है। छतगन वो टर्निंग पॉइंट था कि महात्मा गांधी को गुजरात की एक व्यापारिक कंपनी दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजने का निर्णय लिया। पूछेगा गुजरात की किस व्यापारिक कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छात्रगण प्रतियोगिता परीक्षाओं का, बहुत ही पके हुए आम की तरह यह गिरता है, VBI इसको मानिएगा, इसलिए आपको याद रखना होगा। दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। छात्रगण दूसरी बात जो आपको जाननी है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहां गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 में गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस व्यापारिक कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? तो दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। यह कहां की कंपनी थी? तो यह जो है गुजरात की एक कंपनी थी। इसे भी आपको याद रखना है, इसे भी आपको मनन करना है, इसे भी आपको स्मरण करना है। इससे भी सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण महात्मा गांधी का यह टर्निंग पॉइंट, उनका दक्षिण अफ्रीका जाना तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया है, महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। ये उपाधियों से हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में SSC, रेलवे, JTET, CTET, JPSC, UPSC, टीचर, सब इंस्पेक्टर, CDS, हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं छात्रगण। इसलिए इस टॉपिक पर आपको बहुत जबरदस्त रूप से फोकस करना होगा। अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनेगा छात्रगण उपाधियां, क्या हेडिंग बनेगी आपकी? उपाधियां, है ना। हां लिखिएगा छात्रगण। नंबर एक, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 पदक प्रदान किए गए थे जो निम्न हैं। जुल्लू पदक, बोअर पदक। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 पदक प्रदान किए गए थे, जुल्लू पदक, बोअर पदक, है ना। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ब्रिटिश सेना की मदद की थी, इसलिए इन्हें ये 2 पदक दिए गए थे, जुल्लू पदक और बोअर पदक। इसे भी आपको छात्रगण ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण दूसरे उपाधि की ओर। ये पहली उपाधि थी दक्षिण अफ्रीका में जो उनको मिली थी। दूसरे उपाधि के लिए लिखेगा छात्रगण, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में
गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण, नेतृत्व के कारण कारण गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट नंबर तीन की ओर आएंगे छतगन। लिखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं दीन बंधु की उपाधि से विभूषित, दीन बंधु की उपाधि से विभूषित सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। बापू इन्होंने ही कहा था छतगन, पहली बार बापू की उपाधि दी थी। नेक्स्ट अगली उपाधि की ओर आएंगे छतगन। लिखेंगे, राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी छतगन। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा था, अर्ध नग्न फकीर। फकीर कहा था, यह क्वेश्चन भी आ चुका है छतगन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सेना की काफी मदद की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान कैसर ए हिंद, बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण, कैसर ए हिंद प्रदान किया था। अंग्रेजों ने इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान कैसर ए हिंद प्रदान किया था। नेक्स्ट,
छतगण अगले पॉइंट की ओर प्रवेश करेंगे। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ने महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंट बेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी, क्योंकि भारत में हुए दंगों को 50,000 ब्रिटिश सेना नहीं रोक पाई थी तथा गांधी जी ने नोआखली में जाकर इन दंगों को अपने आत्मविश्वास के बदौलत रोकने में कामयाबी हासिल की थी जिससे प्रसन्न होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें यह उपाधि दी थी यह छतगण गांधी जी को मिलने वाली उपाधियां, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछेगा जुल्लू युद्ध पदक और बोअर पदक, जुल्लू पदक और बोअर पदक गांधी जी को किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, है ना। जुल्लू पदक और बोअर पदक दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा, जो है दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें दिया गया था। जुल्लू पदक बोअर पदक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण। जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या जवाब होगा छात्रगण आपका? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, है ना छात्रगण। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कहा था आप महात्मा हैं, और तब से गांधी जी का नाम महात्मा हो गया। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत हिट क्वेश्चन है। पूछेगा किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, इसे भी छतगण आपको ध्यान रखना होगा। छतगण पूछेगा महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सबसे पहली बार किसने दी थी? तो सीएफ एंड्रूज ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी, है ना, बापू की उपाधि से विभूषित किया था छतगण महात्मा गांधी को। सीएफ एंड्रूज ने बापू की उपाधि दी थी, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी आपको मनन करना होगा, यह भी आपको स्मरण करना होगा। छतगण नेक्स्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसे भी आपको गौर करना है, उसे भी याद रखना है। पूछेगा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? छतगण प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, महात्मा गांधी विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में जाकर के
अंग्रेजी सैनिकों की सेवा करते थे, मरहम पट्टी करते थे, है ना, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाते थे, उन्हें मेडिकल कैंप तक पहुंचाते थे, और युद्ध के मैदान में जो उन्होंने मदद का जो एक जबरदस्त जज्बा दिखाया था, इससे ब्रिटिश सेना खुश हो गई और ब्रिटिश सेना ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों की मदद के लिए, अंग्रेजी सैनिकों के जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बदले में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी, तो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। यह भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, यह भी आपको मनन करना होगा, यह भी आपको स्मरण करना होगा, यह भी आपको अध्ययन करना होगा। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण, इसलिए इस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी आपको गौर करना होगा छात्रगण। दूसरी चीज जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाएगी और आपको उस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, उस पर भी ध्यान रखना होगा, उसको भी मनन करना होगा। पूछेगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। छत्रगण नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बहुत हिट क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी को छत्रगण राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका सवाल है ना, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और एक एक चीजों को छत्रगण ध्यान रखना होगा। छत्रगण इसी क्रम में आपसे पूछेगा महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था, है ना। छत्रगण महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहने वाले व्यक्तित्व कोई और नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा था, है ना, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, पूछेगा महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, तो अर्ध नग्न फकीर की उपाधि दी थी। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी आपको मनन करना होगा, यह भी छत्रगण आपको याद रखना होगा। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छत्रगण। पूछेगा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। छत्रगण महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले व्यक्तित्व और कोई नहीं, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। छत्रगण नोआखली नामक स्थान में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, है ना, और इन दंगों को 50,000 ब्रिटिश सेना भी शांत नहीं करा पा रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में महात्मा गांधी ने इन दंगों को अपने दम पर शांत करवा दिया। यह देख करके लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक हो गए, उन्हें सल्यूट कर दिया कि मान गए गांधी जी आपके आत्मविश्वास को, मान गया मैं आपके जो है जिजीविषा जुनून को, मान गया मैं आपके समर्पण भावना को, कि आज जो काम 50,000 ब्रिटिश सेना नहीं कर पाई वो आपने अकेले दम पर कर दिया और इन दंगों को समाप्त करवा दिया। छत्रगण महात्मा गांधी का यह कार्य भी अपने आप में अभूतपूर्व था, इसलिए इन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। बहुत हिट क्वेश्चन है, पूछेगा गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसे दी गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी। इसे भी छत्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा। तो यह है छत्रगण महात्मा गांधी को दी गई उपाधियां, महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। ये क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं का यह बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए छत्रगण इन सारी उपाधियों को आप याद रखें। जुल्लू पदक, बोअर पदक ब्रिटिश सरकार ने दिया दक्षिण अफ्रीका में, है ना। छत्रगण महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी चंपारण सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व करने के कारण। बापू की उपाधि सीएफ एंड्रूज ने दी, है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी द्वारा किए गए मदद के कारण उन्हें प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा कैसरे हिंद की उपाधि जो कि ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अर्ध नग्न फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा।
बापू किसने कहा, तो सीएफ एंड्रूज ने कहा। ये सारे चीजों को याद रखें छात्रगण। मैं दावा करता हूं कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर छपे हुए मिलेंगे, और आप जब तक इनको जानेंगे नहीं छात्रगण, तो आप इन्हें हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसे याद रखना होगा, मनन करना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाए तो आपको दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। इस चीज को भी छात्रगण ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक की ओर आइएगा छात्रगण। हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी, हेडिंग बन गई छात्रगण आपके, बहुत अच्छा। लिखिए तीर का निशान। 1893 में गुजरात की व्यापारिक कंपनी दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट, इस मुकदमे के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में जाना था। इस मुकदमे के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में जाना था। नेक्स्ट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार द्वारा रंग भेद नीति अथवा का साइन दीजिएगा छात्रगण, इस तरीके से काले गोरे का भेदभाव, फिर अथवा का साइन देंगे छात्रगण, इसी प्रकार से श्वेत अश्वेत के भेदभाव का सामना करना पड़ा। श्वेत अश्वेत के भेदभाव का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में चलती ट्रेन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेज टिकट निरीक्षक ने केवल इसलिए फेंक दिया क्योंकि गांधी जी भारतीय थे और उनका रंग काला था। नेक्स्ट, गांधी जी ने इस घटना के बाद यह प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक वे दक्षिण अफ्रीका से काले गोरे के भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो हिंदुस्तान नहीं लौटेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी मात्र 6 महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु वहां लगभग 21 साल से भी ज्यादा इन्होंने अपना जीवन बिताया था।
कंप्लीट हो गया शतगण, हाँ वेरी गुड, लिखने की कार्रवाई आपने कर ली। चूंकि नोट्स लिखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है छात्रगण, नोट्स को जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आप घर पे रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। रिवीजन करना काफी जरूरी होता है, वीडियो में तो आप ठीक है सुन लेंगे लेकिन हर बातें मन में नहीं रह जाती है, हर बातें दिमाग में स्थिर नहीं रहती है। इसलिए संस्थान एक अलग तरीके से आपको ऑनलाइन पढ़ा रही है छात्रगण। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आप घर बैठे अनुभव करें कि आप ऑफलाइन की जैसे कक्षाओं में मौजूद हैं, आप घर बैठे अनुभव करें कि आप ऑफलाइन जैसे कक्षाओं में मौजूद हैं, साथ ही साथ आप यह भी अनुभव करें कि आपको ऑफलाइन कक्षाओं में जैसे टीचर्स सारे नोट्स को लिखाते हैं लाइन बाय लाइन, वैसे ही आपको नोट्स लिखाया जा रहा है। नोट्स लिखाने से क्या फायदा हुआ कि आपने जो जो चीजें याद की, जो जो चीजें क्लास में तो आपको याद हो ही गई, बाकी चीजें आपने नोट्स में उतार ली, नोट्स सारा कुछ तैयार भी आपका हो गया। अब आपको जब मन करेगा तो आप उस नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं, पुख्ता बना सकते हैं, एग्जामिनेशन में जाने के पहले रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा छात्रगण, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। छात्रगण क्या सवाल आएंगे इस टॉपिक से गौर कीजिएगा। पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गए थे? डरबन शहर गए थे। कौन सा शहर गए थे छात्रगण? डरबन, जहां पे मैचेस भी होते हैं क्रिकेट मैच, डरबन का नाम आपने सुना हुआ है। फिर पूछेगा आपसे गांधी जी गुजरात की किस व्यापारिक कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे? दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। फिर आपसे पूछेगा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस नीति का सामना करना पड़ा? छतगन ऑप्शन में देगा श्वेत अश्वेत का भेदभाव, दूसरा ऑप्शन देगा काले गोरे का भेदभाव, तीसरा ऑप्शन देगा रंग भेद नीति, चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। जवाब आपका होगा उपरोक्त सभी, है ना छात्रगण। क्या जवाब आपका होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी नीतियां थी जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रुकने के लिए विवश कर दिया, आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया। मात्र 6 महीने के लिए गए थे लेकिन ये 21 साल से भी ज्यादा वहां पर रह गए छात्रगण। आपको आश्चर्य होगा गांधी जी की सहन शक्ति को देखिए, पेशेंस को देखिए, जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक काले गोरे का भेदभाव, रंग भेद नीति को, श्वेत अश्वेत के भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं लौटूंगा। और इसको इन्होंने छात्रगण पूरा किया, है ना, इस संकल्प को पूरा किया। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो आप संकल्प ले लीजिए कि जब तक मैं इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं अपने परिश्रम को यथावत जारी रखूंगा। छात्रगण कितने प्रतियोगी विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि 1-2 अटेम्प्ट लेते हैं, निराशा हाथ लगती है, पास नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि लेवल उनका बहुत अच्छा रहता है, थोड़ी सी और मेहनत करते तो वह पास कर जाते, लेकिन अफसोसजनक रूप से वो मैदान छोड़ देते हैं, युद्ध के भूमि से चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी सोच नहीं रखें छात्रगण, लगातार प्रयास जारी रखें, एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। छात्रगण महात्मा गांधी के पेशेंस से आपको उदाहरण लेना चाहिए कि 6 महीने के लिए गए थे, 21 साल से भी ज्यादा रह गए लेकिन जब लौटे तो एक हीरो बनकर के लौटे, महानायक बनकर के लौटे, पूरे विश्व में उनका डंका बज गया कि अरे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत के भेदभाव को किसने समाप्त किया, दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेदभाव को किसने खत्म किया, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को किसने समापन किया, तो गांधी जी ने समापन किया, है ना छतगन। आपको कितना आश्चर्य होगा कि चलती ट्रेन से इनको धक्का देकर के अंग्रेज टिकट निरीक्षक ने गिरा दिया। क्या कसूर था गांधी जी का? गांधी जी का कसूर था कि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था छतगन, और वो फर्स्ट क्लास में सफल कर रहे थे, एक काला होते हुए, एक अंग्रेज होते हुए भी, एक भारतीय होते हुए भी वो फर्स्ट क्लास का टिकट में प्रवेश सफल कर रहे थे। इससे अंग्रेजों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अंग्रेजों को लग रहा था कि काला आदमी, अश्वेत आदमी, भारतीय व्यक्ति आखिर फर्स्ट क्लास में ट्रेन में कैसे सफल कर रहा है जबकि वो केवल अंग्रेजों के लिए है। छतगन इसी बात को लेकर के टिकट निरीक्षक के साथ इनकी तूतू में हो गई और इन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। छतगन गांधी जी के जीवन का यह टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहीं पर गांधी जी ने संकल्प ले लिया था कि मैं काले गोरे का भेदभाव किसी भी कीमत पर खत्म करके रखूंगा, और यही इनका संकल्प था। छतगन गांधी जी ने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेदभाव, श्वेत अश्वेत के भेदभाव, रंगभेद नीति को समाप्त किया था, इसे हम लोग जानेंगे अगली कक्षाओं में, नेक्स्ट कक्षाओं में। और उसकी टॉपिक होगी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए थे, है ना, किन कार्यों के कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, पूरे विश्व में उन्हें जाने जाने लगा और गांधी जी ने अपने आप को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया था दक्षिण अफ्रीका में।
है ना, तो ये जानेंगे हम लोग। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है ये, जिसे हम लोग अगली कक्षाओं में जानेंगे छात्रगण। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।